घटना रात्रि 10 बजे की है। अपने घर में सो रही पीड़िता गांव के ही 3 लोग मुंह दबाकर उठा ले गए और एक बाग में और पीड़िता के साथ सामूहिक बलात्कार किया। बलात्कार के बाद जान से मारने का भी प्लान था, लेकिन कहते हैं ना कि मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है। किसी व्यक्ति के आते देख वहां से भाग निकले अपराधी और पीड़िता किसी तरह चलकर पहुंची अपने घर और परिवार वालों को सारी बात बताई। अगले दिन सुबह पीड़िता का भाई थाने पहुंचा और नामजद तहरीर देने के बाद भी मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा है। पुलिस अपराधियों को बचाने में लगी हुई है, लेकिन सवाल ये उठता है कि इलाहाबाद में जिस प्रकार से ये घटना हुई तो पुलिस क्यों अपराधियों को साथ दे रहा है? क्यों पुलिस अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है और क्यों मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा है? सर, हम सो रहे थे और 3 लोग आए, उठा कर ले गए। जहाँ ले जाना था वहाँ 2 लोग और मौजूद थे। उसके बाद कहाँ पर लेके गए थे? सर, बगल में एक बाग है गांव के निकाल। कौन कौन लोग थे? वो अच्छे लाल और सुनील और राजू। 3 लोग? 3 लोग थे और वहाँ 2 लोग और पहले से मौजूद थे, पहरेदारी कर रहे थे पहले से। 5 लोग थे? 3-2-5, कुल मिलाकर 5 लोग थे। फिर क्या हुआ? फिर तीनों ने बारी बारी गलत काम किए, फिर उसके बाद मारने की प्लान कर रहे थे। तभी कोई आदमी टार्च जलाकर आ रहा था, छोर छोर मार गए। वो लोग बोल रहे थे कि इसे जान से मार कर इसे पेड़ पर लटका दो, पुलिस आएगी सुबह, यही बोलेगी कि ये खुश अपने से खुशी कर ली है, कुछ नहीं होगा। थाने आप लोग आए तो क्या हुआ? अभी तक कुछ कोई कार्रवाई हुई? कार्रवाई नहीं हुई। फिर उसके बाद आप कहाँ गए? इलाहाबाद? फिर उसके बाद इलाहाबाद गए। फिर अभी FIR आपका दर्ज हुआ? अभी नहीं। SPN 9 News के लिए इलाहाबाद से आदिल अंसारी की रिपोर्ट।